हेलो दोस्तों, सुचिता इलाहाबादी किचन में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल दाल बनाने चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे सब गांव में हैं तो मैं एक कटोरी दाल ले लिया हूं। इधर एक टमाटर है, प्याज है, मिर्चा है, अदरक है, लहसुन हो, इसको हम बारीक से काट ले रहे हैं और अच्छे पानी में धुल के अब कुकर में रखते हैं। तो दाल को हम अच्छे पानी से धुल लिए हैं। ये दाल हम दो लोग के लिए बना रहे हैं, एक हैं एक भाई साहब हैं हमारे साथ में, इसलिए दाल में हम कटा हुआ टमाटर डाल दे रहे हैं। टमाटर के बाद एक मिर्चा कटा हुआ डाल दे रहे हैं और इसमें जो है दो मिर्चा खड़ा डाल दे रहे हैं और एक जो प्याज लिए थे उसको डाल दे रहा हूँ। और इसमें ये लहसुन और ये अदरक दोनों इसी में डाल दे रहा हूँ। और इसमें आधा चम्मच जो है हल्दी पाउडर डाल दे रहा हूँ। अब इसमें नमक भी डाल दे रहा हूँ। अब इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। नमक डालने के बाद अब कुकर को अच्छी तरह से हम ढक्कन लगा के गैस पर रख देते हैं। ये कुकर में दाल मेरा पक गया है। मैंने 6-7 सीटी बुलाए थे कुकर में। ये देखिए अच्छे से पक गई है दाल। अब इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं। तेल रख दिए हैं, गरम हो रहा है, तेल गरम हो गया है। अब इसमें एक चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। जीरा भी पक गया है। अब इसको हम दाल में डाल देते हैं। दाल में डाल के बंद कर दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं अकेला हूँ इसलिए मोबाइल भी पकड़ना होता है और खाना भी बनाना हो रहा है। ये मेरी टेस्टी दाल बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, वाह क्या अच्छा है। अब इसमें दोस्तों मैं हरी धनिया डाल देता हूँ और अच्छा आएगा। दोस्तों, अगर मेरा दाल बनाने का तरीका आप लोग को पसंद आया हुआ हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार।